आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा कुल 7 चरणों में होना था, 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और आज 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मत का उन्होंने इस्तेमाल किया और जनता से अपील की कि मतदान केंद्र जरूर जाए और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की आपसे खास अपील, अगर आपके जिले में भी हो रहा है चुनाव तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली है। देर रात तक पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर पहुंचा दिया गया था। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर की 9, अंबेडकर नगर की 5 जिले, बलरामपुर जिले की 4, सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जबकि बस्ती जिले की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, कुशीनगर देवरिया और बलिया जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता अपना निर्णय ईवीएम में आज कैद करेंगे। आज गोरखपुर समेत अन्य 10 जिलों में चुनाव है। इसी कड़ी में आइए आपको सुनाते हैं, हमारे संवाददाता ने बलिया के मतदान केंद्र का जायजा लिया है, पहले आपको वो सुनाते हैं। दस जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होना है। वहीं इस बार कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी इस बार चुनावी मैदान में है और अभी कल परसों की बात करें तो उनको लेकर के कई ऐसे मसले सामने आए हैं। वो बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हुए थे, उसके बाद से लगातार वो एक मुद्दा बने हुए हैं। उनको लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं और उन पे कुछ हमले किए गए थे, जिसको लेकर उनके बेटे से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, उनके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो कई हॉट सीटें 6ठे चरण में भी बनी हुई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद चुनावी मैदान में। वहीं अगर बात बड़े चेहरों की करें भाजपा के, तो सतीश चंद द्विवेदी भी इटवा चुनावी मैदान में है। वही माता प्रसाद पांडे भी जो सपा से हैं, वो भी इटवा से चुनावी मैदान में है। माता प्रसाद पांडे भी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने पहले भी हुंकार भरी है कि इस बार सपा को जिताना है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पार्टी को जिताने में और मतदाताओं को अपनी अपनी ओर करने के सभी कोशिशें कर रही हैं लगातार। तो वही अगर बात किया जाए तो आज कई राजनीतिक दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और वही गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ जायजा है मतदान केंद्र का? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वोट डाल चुके हैं और उसके बाद वहां की जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? प्राथमिक विद्यालय पे जहाँ से योगी आदित्यनाथ अपना मतदान किए हैं, अपना वोट दिए हैं और अभी अभी वो कुछ क्षण पहले ही यहाँ से वोट दे करके निकले हैं। ऐसे में उन्होंने कहा भी है कि पहले वोट दें फिर जलपान करें। और हम क्योंकि गोरखनाथ के पीठ है के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, और गोरखपीठ जो है वो उसका पूर्वांचल पे काफी हद तक दबदबा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो है पिछले कई सालों से सांसद रहे हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी उत्साह देखा जा रहा है, पब्लिक में भी जनता पूरी तरह से उत्साहित है और मतदान दे रही है। यहाँ हम दिखा दें आपको कि पूरी मीडिया लगी हुई है, लोग अपना मतदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। ऐसे में आप बात कर सकते हैं कुछ लोगों से जो देखिए वोट करके आ रहे हैं। तो मैडम, आपने वोट किया? वोट डाला आपने? तो कैसा लग रहा है आपको सीएम योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से आज चुनाव वोट दिए हैं? अच्छा लग रहा है, यहाँ से वोट दिए। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? यही बनेंगे, महाराज जी बनेंगे। महाराज जी बनेंगे, यही बनेंगे। तो जनता की भी काफी उत्साहित है, सबसे पहले आज सुबह उठते ही अब वोट भी कर रही है, इसके बाद भी कोई काम करने के लिए वो लोग जा रहे हैं।
अन्य लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी अब बिल्कुल वहाँ के लोगों से बात करें और उनके मुद्दे जाने कि गोरखपुर की जनता किस मुद्दे पर वोट दे रही है इस बार। जी 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 तो आइए कुछ अन्य लोग भी वोटिंग कर रहे हैं जानते हैं। आपने मतदान किया है क्या मुद्दे पे मुद्दे रहे हैं आपके किन मुद्दों पे आपने वोट की है? हम लोगों ने सुशासन पर और प्रगति के ऊपर जो विकास हो रहा है और जो सुशासन है हम लोग आराम से रह रहे हैं, हम लोग इस मुद्दे पर आके यहाँ पे वोट किए। सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे में आप यहाँ पे वोट करने आए हैं, क्या कैसा उत्साह है आपके अंदर और क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, किनारे होकर हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और हम लोग बहुत आशान्वित हैं और बहुत प्रसन्नता है कि महाराज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा की सरकार बन रही है, बहुमत के साथ हम लोग 300+ से ऊपर आंकड़े से भाजपा की सरकार बना रहे हैं। पब्लिक भी कह रही है कि सुशासन का मुद्दा होगा, ऐसे में पूरी तरह से जनता उत्साहित है, महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी हिमांशु, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है और कोविड गाइडलाइन का जो पालन है वो किस तरह से प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है? जी जी देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रशासन का प्रबंध किया हुआ है, आपको दिखा दें कि यहाँ पे कोविड डेस्क भी बना हुआ है जहाँ से पानी की बोतल, ORS घोल इत्यादि सामान भी रखे गए हैं जिससे कि किसी को किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसको कर सकें। और आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ के अंदर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, अर्धसैनिक बलों का तैनाती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जी बिल्कुल हिमांशु, और जो दिव्यांग जन है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है गोरखपुर के मतदान केंद्रों पर, क्योंकि दिव्यांग जन का भी वोट खासा हमारे लिए जरूरी है? जी दिव्यांगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि उनको लाने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के जवान लोग तैनात किए गए हैं, इसके अलावा किसी को भी होता है तो ई रिक्शे वगैरह से उनको ले आकर के वोटिंग कराने की व्यवस्था है। और आपको दिखा दे दिव्यांगों के लिए कि यहाँ पे व्हील चेयर का भी प्रयोग किया गया है कि अगर कोई विकलांग आता है जो नहीं कर सकता है, किस तरह की कोई समस्या है तो उसको इससे बैठा करके मताधिकार का उससे प्रयोग कराया गया। जी बिल्कुल गोरखपुर व्यवस्था। और हिमांशु हम एक बार ये भी जानना चाहेंगे कि गोरखपुर की महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, गोरखपुर की महिलाएं किन मुद्दों पे इस बार वोट देंगी? जी महिलाओं का इस बार मुद्दा है सुरक्षा और इसके लिए हम बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ तो उनसे हम बात करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के महिलाएं क्या सोचती हैं कि इस योगी सरकार में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही है। तो जानना होगा कि आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी जी बिल्कुल जब वहाँ से वो निकलेंगे जी हिमांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ पहुंचे थे, ऐसे में जनता में बिल्कुल उत्साह तो देखने को मिलेगा जब मुख्यमंत्री खुद मतदान केंद्र पर सुबह सुबह ही पहुंच गए और काफी भीड़ भी देखने को मिल रहा है। अभी सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और लोग भारी मात्रा में मतदान केंद्रों पर जा रहे और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि गोरखपुर की जनता खासा उत्साहित हो गई है कि उनके मुख्यमंत्री खुद सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर आए? जी जनता काफी उत्साहित है, महिलाएं उत्साहित हैं। हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो वोटिंग करने आई हैं, बुजुर्ग महिला हैं, माता जी आप मतदान करने आई हैं, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पे आप इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी? अरे आज मुझे बारह भगवान करें, आज मुझे बढ़ाओ। देखिए बुजुर्ग महिला टीम का कहना है कि आगे बढ़ें और भगवान करे आगे बढ़ें, तो ऐसे में बड़ा पब्लिक यहाँ की बहुत ज्यादा उत्साहित है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। जी हिमांशु, इन माता जी ने क्या योगी आदित्यनाथ के लिए कहा, क्या
कि ये आगे बढ़े, इन्होंने क्या मुख्यमंत्री के लिए ये बातें कही? जी तो हिमांशु से आदित्यनाथ जी के लिए कहा है कि आगे बढ़े। जी हिमांशु, कहीं ना कहीं इससे लगता है कि गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खासा खुश है, क्योंकि जिस तरह से धुआं वहां की महिलाएं भी उनको दे रही हैं, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि गोरखपुर की जनता काफी खुश नजर आ रही है मुख्यमंत्री। हालांकि रहना भी चाहिए, क्योंकि वो वहां के मठ के मठाधीश्वर भी हैं और काफी उन्होंने गोरखपुर की जनता के लिए काम भी किया। वैसे में देखना ये होगा कि गोरखपुर की जनता किसकी किस्मत का फैसला क्या करती है। और एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव काफी अहम भी है, क्योंकि वो पहली बार विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की शहर सीट से उतरे हुए हैं। और जो विपक्ष में है, अगर बात किया जाए सपा की, बसपा की, अन्य पार्टियों की, तो उनके लिए क्या कुछ जनता का कहना है हिमांशु? जी हम आपको बता दें कि यहाँ पे जब पीएम योगी आदित्यनाथ अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, वोट डाल रहे थे, तो इसी पुलिंग बूथ से आप पार्टी के विजय श्रीवास्तव भी आए हुए थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और उन्होंने वोट डालने के बाद जब निकले हैं तो उन्होंने बोला भी है कि सबसे पहले वोट डाले, उसके बाद अन्य कोई कार्य करें। जी वही अगर मंशु बात किया जाए तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में वहीं से, और उन्होंने कई बातें कही थी जब वो वहां से नामांकन भी किए थे, तभी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई बातें कही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी। तो ऐसे में क्या लगता है उनका कितना कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा और कौन कितना विकास कर पाएगा? मेन मुद्दा विकास का होता है हिमांशु। जी मेन मुद्दा विकास का होता है, ऐसे में हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण यहाँ से प्रत्याशी हैं, योगी के विपक्ष में वो खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो जनता है वो उसको वोटिंग करने आ रही है। उनसे बात करके ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से योगी के पक्ष में ही वोट डालने हैं। हम देखिए कुछ एक बुजुर्ग माता जी फिर आ रही है वोट डाल के, मताधिकार का प्रयोग करके उनसे बात करते हैं। माता जी, आप वोट डालने गई थी, मतदान किया आपने? दिखाइए सिंबल, दिखाइए जी उधर कैमरे की तरफ दिखाइए। ये बताइए कि किन मुद्दों पे आपने वोट किया, मुद्दे क्या थे? मुद्दे है कि भाई सरकार को अच्छी, जो सरकार अच्छा काम कर रहा है उनको वोट किया। तो कौन सी सरकार आपको लग रहा है कि अच्छा कार्य कर रही है? अब ये नहीं, कौन अच्छा कार्य कर रहा है ये नहीं बताएंगे। अच्छा, ये आपको ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि कौन अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन जो अच्छा कार्य कर रहा है जी उनको वोट देना चाहिए। जी हिमांशु बिल्कुल, महिलाएं हम देश के लिए अपना पूरा जी जान लगा दे रहा है, उसको वोट देना बहुत जरूरी है। जो जनता के इतना सेवा कर रहा है, जनता के लिए सब काम कर रहा है, उसको वोट बहुत देना जरूरी है। ये नहीं बताएंगे किसको हम दिए। जो जनता के लिए कार्य कर रहा है, दिन रात कर रहा है, उनके लिए पूरे जी जान लगा दिया है, उसी को जनता वोट देगी, ऐसा कहना है यहाँ के जनता का जो मताधिकार का प्रयोग करके आ रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, महिलाएं हमेशा से जिस तरह शांत वोटर के रूप में सामने आई है, माता जी की इन बातों को सुनकर ये साफ व्यक्त हो रहा है कि सिर्फ विकास और अपने सुरक्षा के मुद्दों पर महिलाएं वोट देंगी। हिमांशु आप बिल्कुल वहां के मतदान केंद्रों पर नजर बनाए रखें, हम जल्द ही दोबारा आपके पास पहुंचेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ गोरखपुर के मतदान केंद्र से जुड़े हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मतदान करने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने महिला वोटरों से भी बात करी। महिला वोटर हमेशा की तरह एक शांत वोटर के रूप में है और उनका कहना है विकास के मुद्दों पर वोट देंगे। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी ये कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए कि वो आगे बढ़े, और ऐसी दुआएं और ऐसी बातें तो उसी के लिए की जाती है जिसने विकास किया हो। और गोरखपुर हमेशा से एक गढ़ माना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। गोरखपुर उनका गढ़ है, वहां से वो सांसद रहे हैं, वहां पे मठाधीश्वर हैं, तो ऐसे में कई बातें अहम हैं। वैसे अगर एक बार बात कर ली जाए 2017 विधानसभा चुनाव की, तो 2017 विधानसभा चुनाव में 57 सीटों पर 48 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, वहीं सपा को 2 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट और बस सपा को 5 सीटें मिली थी, वहीं अन्य 1 सीट खाते में गया था, निर्दलीय के पास 1 सीट गया था। तो जिस तरह से गोरखपुर में पिछली बार 2017 में भी 57 सीटों पर भाजपा जीती थी, वहीं देखना इस बार होगा कि कितना कुछ काम न
काम आ पाएगा भाजपा का। देखना ये होगा कि विकास के मुद्दे होंगे, वही कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य भी खुद चुनावी मैदान में है, वो भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए थे, तो कई अटकलें भी लगाई गई थी, कई तरह की बातें भी उनके लिए कही गई थी। इसी बीच उन पर हमले की भी खबर आई, जिसको लेकर काफी सनसनी भी फैला हुआ। उनके बेटे को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा था। वही सतीश चंद द्विवेदी जो खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और वो इटवा से चुनावी मैदान में है। वहीं माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी से हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। जय प्रताप सिंह जो भाजपा के बासी से हैं, वहीं मोनू दुबे जो सपा से हैं। कई बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जो सपा से हैं और ये मंत्री रह चुके हैं सपा सरकार में, पथरदेवा विधानसभा से हैं। वहीं राम गोविंद चौधरी भी सपा बासजी से हैं। केतकी सिंह निषाद ये भी निषाद पार्टी से चुनावी मैदान में है। केतकी सिंह निषाद पार्टी से चुनावी मैदान में है। चंद्रशेखर आजाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट से ही, जो भीम आर्मी के चीफ है, वो गोरखपुर सदर से चुनावी मैदान में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा से हैं, वो फाजिल नगर से चुनावी मैदान में हैं। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस से जो तमकुहीरा से चुनावी मैदान में हैं। अगर बात डॉक्टर रसीम कुमार की करें तो निषाद पार्टी तमकुही से हैं। वही हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। वही बलरामपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलरामपुर की मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था है मतदाताओं के लिए? अमित बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर मतदान करने के लिए मतदाता इस बार उत्साहित दिख रहे हैं और बूथ पर सुबह 6 बजे से ही आने लगे हैं। वहीं बात की जाए यहाँ पे मतदाता पर जो बूथ है, यहाँ पे सुविधा मिलिट्री या पुलिस की व्यवस्था की गई है और लोग मास्क का उपयोग करके सोशल डिस्टेंसिंग से पालन करते हुए लोग जाते हैं और मतदान करते हैं और उनका बाहर से उनका चेकअप किया जाता है, उनको मोबाइल अंदर नहीं लेकर जाने दिया जा रहा है और नशीली पदार्थ या कोई ज्वलनशील पदार्थ ऐसी चीजों को अंदर लेकर जाने उन्हें नहीं दिया जा रहा है। जी अमित, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बलरामपुर की मतदान केंद्रों पर? जी मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी सुरित का कहना है कि जिले में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जिले में पैरामिलिट्री पोस्ट दाखिल है, इसके साथ साथ स्थानीय पुलिस जगह जगह पर भी तैनात है। जी वही अमित, अगर बात दिग्गजों की जाए तो पलटूराम भाजपा से खुद बलरामपुर से चुनावी मैदान में, सपा से जगराम पासवान भी सपा से चुनावी मैदान में, तो कई दिग्गज बलरामपुर से भी चुनावी मैदान में है। तो जनता, आपको क्या लगता है जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट देगी? बड़े चेहरे होते हैं तो एक अलग ही एक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जनता का क्या मन है, जनता किस मुद्दे पर वोट देगी, बलरामपुर की जनता अपने दिमाग में क्या मुद्दा रखकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 से लेकर 17 तक सपा सरकार रही और वहीं 2017 से लेकर 22 तक बीजेपी सरकार रही। वहीं बलरामपुर जनपद के 2017 से 22 तक विधायक पलटूराम रहे और वहीं पूर्व में 12 से 17 तक पूर्व विधायक जगराम पासवान रहे, जहां इन दोनों में कांटे की टक्कर की लड़ाई है। लेकिन वही बात यह है कि अब ये देखना है कि जनता किसे अपना प्यार दे रही है, क्योंकि जिसने जो अच्छा काम किया होगा, विकास किया होगा, उसे जनता अपना मत देगी और उसे अपना विधायक बनाएगी। अमित, बलरामपुर में मुद्दे क्या क्या हैं? विकास, रोजगार? जी मुद्दे जी, बिल्कुल अमित बताएं मुद्दे क्या क्या हैं बलरामपुर में। कुछ है क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है बलरामपुर, विकास की बात की ले ली जाए तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। जी युवाओं का क्या कुछ है, रोजगार के साथ साथ युवा क्या कुछ चाहता है युवा, सरकार से? युवा को, जो युवा कुछ है वो रोजगार को लेकर रोड कर रहे हैं, कुछ युवा धर्म को लेकर रोड कर रहे हैं। अच्छा अमित, अगर बात बलरामपुर में की जाए तो बलरामपुर में सरकारी योजनाओं का कितना फायदा बलरामपुर की जनता उठा पाई है और क्या कुछ और योजनाओं की उम्मीद बलरामपुर की जनता रख रही है इस बार? जी जो योजनाएं जो मौजूदा सरकार रही, जो योजनाएं लोगों को दिया गया, चाहे बात की जाए मुफ्त राशन की बात की जाए या योजनाएं जो माँ में वो पैसे दे रहे थे सरकार, ऐसे तमाम जो योजनाएं गरीबों के लिए मिल रहा था और लोग पा रहे थे। लेकिन अब ये देखना है कि अब कौन से और मुद्दों को देखकर मतदान लोग कर रहे हैं। जी अगर बात की जाए बलरामपुर की तो बड़े चेहरे तो खास हालांकि है ही वहां से और
मुद्दे जो हो गए, रोजगार के मुद्दे, दो साल कोरोना भी रहा, लगभग दो साल तीन साल कोरोना रहा और कोरोना की चपेट में भी लोग रहे, ऐसे में बहुत लोगों के साथ रोजगार की भी दिक्कतें आई हैं बलरामपुर में। सड़कों को लेकर के क्या कुछ कहना है, क्योंकि बलरामपुर में पहले से भी सड़कों को लेकर कई ऐसी बातें सामने आई है जहाँ पर जनता कह रही थी कि उन्हें पहले अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, तो इस चीज का कितना विरोध वहाँ की जनता में हो सकता है या फिर जनता इस मुद्दे को कितना दिमाग में रख के मतदान केंद्र पर जा रही है? अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विधानसभा सदन है, यहाँ पर बात की जाए रोड की या बिजली की या और जिसे अस्पताल की, तो यहाँ पे काम हुए हैं, लेकिन जो विधानसभा उतरौला है वहाँ पे रोड की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, तो वहाँ की जनता ज्यादा नाराज है। लेकिन बलरामपुर विधानसभा सदन में जो रोड की बात की जाए या अस्पताल की बात की जाए या और जो मुद्दे हैं, तो सदन होने के कारण जो यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने काम किया। जी अमित, उतरौला विधानसभा की आपने बात करी, तो उतरौला विधानसभा एक थोड़ा सा पिछड़े में भी आता है, थोड़ा सा अंदर का भी इलाका है बलरामपुर विधानसभा, वहां से कौन कौन प्रत्याशी है और उन्होंने क्या कुछ वादे किए हैं वहां की जनता से कि अगर जनता उनको चुनकर सत्ता में भेजती है, उनकी सरकार बनवाती है, तो क्या कुछ विकास करेंगे उतरौला विधानसभा की जनता के लिए? देखिए, वहाँ पे सपा से और सोशलिस्ट जनवादी पार्टी से गठबंधन से सपा के प्रत्याशी हसीब खान है, और वहीं भाजपा से राम प्रताप वर्मा जी हैं, और वहीं कांग्रेस से धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू लड़ रहे हैं, और वहीं IMIM से डॉक्टर मन्नान जी लड़ रहे हैं। लेकिन वहां की जनता जो है इस बार विकास को लेकर, रोजगार को लेकर और जो तमाम मुद्दे हैं छोटा जानवर को लेकर, इस बार वहाँ की जनता चुनाव करेगी। वहाँ की जनता का कहना है कि जो वहाँ के विधायक थे, पांच साल विधायक थे, जनता के बीच में नहीं गए, कुछ काम नहीं किए, रोड का निर्माण नहीं किए, कोई फोन करता था तो वहाँ के विधायक पांच साल फोन नहीं उठाए हैं, इसलिए वहाँ की जनता नाराज है और अपने विधायक को जो देखेगी कौन हमारे लिए अच्छा विधायक होगा, हमारे लिए कौन अच्छा काम करेगा, उसे मतदान करेगी और अपना आशीर्वाद देगी। तो अमित, अगर बात की जाए मौजूदा विधायक की, तो मौजूदा विधायक को जनता का खासा एक विरोध देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ की जनता का कहना है कि पांच साल उन्होंने किसी का फोन नहीं उठाया, तो उनके लिए एक कड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है उतरौला विधानसभा की जनता की तरफ से। जी बिल्कुल, ये चुनौती देखनी पड़ सकती है क्योंकि वहाँ की जनता नाराज है। जी, तो क्या कुछ उन्होंने दावे किए होंगे, क्योंकि चुनाव के पहले जनसभाएं, डोर टू डोर कैंपेन सभी प्रत्याशी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कुछ और नए वादे और दावे किए हैं उतरौला विधानसभा की जनता से कि अब फिर से उनको चुने और उनको वापस से सत्ता में भेजे, फिर वो उनका विकास करेंगे? नहीं, बीजेपी के जो है कब्जा में दोबारा शासन करने के लिए वो तरह तरह के अपने जो थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे, इससे पहले रवि किशन जो फिल्म अभिनेता हैं और गोरखपुर के सांसद हैं, और वहीं मनोज तिवारी भी आए हुए थे, इससे ऐसे तमाम लोग यहाँ आते रहे हैं और वोट की अपील करते रहे हैं और तमाम जो योजनाओं के बारे में बताते रहे हैं, जैसे उन्होंने वादा किया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो जो इंटर पढ़ने के पास करने के बाद छात्राओं को हम स्कूटी देंगे, वहीं बिजली फ्री करेंगे जो गरीबी कार्ड में शामिल है, ऐसे तमाम योजनाओं के बारे में बताया। जी, अगर बात किया जाए अमित बलरामपुर की जनता का, तो मतदान केंद्रों पर जनता पहुंचती है, क्या कुछ आप कुछ लोगों से बात करेंगे कि बलरामपुर की जनता किन मुद्दों पर पहुंच रही है मतदान केंद्रों पे, आपके आसपास आप मतदान केंद्र पे ही मौजूद है, कुछ लोगों से आप बातचीत करें और उनका मत जाने कि जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है, किन मुद्दों पर बलरामपुर की जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है? जी, जनता देखिए जो वोटर है अभी अंदर है और अगर निकलते हैं तो मैं उनसे बात करता हूं, क्योंकि अभी कोई जितने वोटर अंदर हैं, क्योंकि अंदर जाना मना है, अंदर रोका गया है, लेकिन हमारे साथ एक आ रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं, कैमरा मैन से चाहे कि आइए, पहले हम उनसे ज्यादा बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, आप बात करें और जाने की किन मुद्दे पर बलरामपुर की जनता मतदान केंद्र पहुँच रही है। क्या नाम है आपका? राम नारायण। आपकी आपके इस बार क्या मुद्दे रहेंगे जो वोट करेंगे, क्या आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं वोट करने? अब हमको मतदान करना है, जैसे विकास को देखकर करेंगे या धर्म को देखकर करेंगे या जात विशेष को देखकर करेंगे? अब हम मतदान करेंगे, जहाँ हमारी इच्छा होगी वहाँ मतदान करेंगे। चलिए, हमारे साथ और है, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या मुद्दे थे आप इस बार जो वोट किए, क्या मुद्दे थे? धर्म के मुद्दे थे या जात विशेष के थे या विकास को लेकर वोट किए हैं? धर्म के मुद्दे। चलिए, हमारे साथ कुछ महिला है, इनसे भी बात करेंगे हम। जी बिल्कुल, महिलाओं से लाइन में लगी हुए हैं। क्या नाम है माता जी आपका?
गीता गीता, ये बताए क्या मुद्दे हैं इस बार जो आप जा रही हैं वोट करने? अरे जिताने के लिए सब दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं। अमिताभ इनसे पूछे इनको क्या सुविधा चाहिए सरकार से, ये क्या क्या सुविधा चाहिए जो सरकार बनेगी उनसे क्या सुविधा चाहिए आपको? अरे सुविधा का चाहिए भैया, सब चीज के तो दिक्कत है, नाली नहीं है, फिर बाद में सड़क नहीं, पानी वो झोज के आवाज आते है जी। तो ये क्या उम्मीद करती है कि जब सरकार बनेगी बनवाया जाएगा या फिर हमेशा की तरह हालात ऐसे ही रहेंगे? आप इनसे ये पूछे हमें क्या क्या ये बताएं कि अगर सरकार बनेगी तो इनसे मुद्दे काम होगा आपका? अरे अभी अब कर रहे हैं, जिता रहे हैं, अब जो हुई उनकी तो उनके ऊपर है। ठीक, तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि मैम ये आ रहे हैं वोटर हैं जो किसी के मुद्दे विकास के हैं तो किसी के दाली के हैं तो किसी के धर्म के हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वोट आज अपना अपना कर रहे हैं लोग जी। तो हमें जिस तरह से वहाँ की जनता सीधा कह रही है कि वहाँ पे नाली के मुद्दे, नाली नहीं बनी, तो मौजूदा विधायक भी वहाँ से हैं और ये सब बातें सामने आना एक निंदनीय तरीका, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ की अपने कई लोगों से बात करी और लोगों का यही कहना है तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस बार जो भी जीतता है वो कितना विकास करता है, क्योंकि महिलाओं का साफ कहना है कि उनको नाली चाहिए। उनको ये भी उम्मीद, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अगर हम सरकार बनाते हैं फिर हम किसी प्रत्याशी को चुनेंगे, किसी खास पार्टी पक्ष को चुनेंगे तो हमारा विकास, उनका यही कहना है कि अब उनके हाथ में से दिखता है कि बलरामपुर की जनता खासा नाराज दिख रही है, तो इसका कितना असर पड़ेगा अमित जी? साफ तौर पर है क्योंकि बलरामपुर जनता पिछड़ा क्षेत्र है और ये पिछड़ा होने के कारण जैसे गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे नाली की हो या रोड की हो तो गांव में नहीं पहुंच पाया है, जिसे लोग या महिलाएं जो हैं नाराज हैं जी। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें अमित, तो उसका फायदा बलरामपुर की जनता को कितना मिला है, क्योंकि पिछड़ा एक एरिया माना जाता है बलरामपुर और उसका विकास बेहद जरूरी है जी। बलरामपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास का जो है लोगों को जो लाभांत जो थे इनको लोगों मिला है, क्योंकि 80% लोगों को यहाँ पर मिला है जो प्रधानमंत्री। अब उसमें अब ये देखना है कि अधिकारियों ने किसको निरीक्षण किया, पात्र लोगों को दिया कि अपात्र लोगों को दिया, इसमें तो जांच का विषय है, क्योंकि अधिकारी अपने चहेतों के दिए, जैसे गांव में ये होता है कि प्रधान होते हैं, प्रधान सूची बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमको कौन वोट दिया है कौन वोट नहीं दिया है, उसे प्रधानमंत्री आवास की बात हो जाए या शौचालय की बात हो तो वो देते हैं, जिससे जनता ये भी कहीं ना कहीं मन में बात रखती है और नाराजगी विधायकों के ऊपर जताती है, प्रत्याशियों के ऊपर जताती है जी। मतलब बलरामपुर में जाति भी एक अहम मुद्दा सामने आ रहा है अमित। वही अमित, अगर बात की जाए बड़े बड़े नेताओं की, तो मुख्यमंत्री खुद वहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए थे, गोरखपुर के सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी, ये तीन दिग्गज वहाँ पे चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आए थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे और दावे भी किए बलरामपुर की जनता से, इनका क्या कुछ प्रभाव पड़ा है जो बड़े दिग्गज चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आए, बड़े बड़े वादे और दावे किए, इसका जनता पे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है और जनता इसके पक्ष में कितनी नजर आ रही है बलरामपुर की? जी देखिए, विधानसभा 294 में 71 इलाका एक पड़ता है जो ब्राह्मणों का बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पे 80,000 वोटर बताए जाते हैं। उस क्षेत्र में मनोज तिवारी जी आए हुए थे, जहाँ उन्होंने वादे करके ब्राह्मणों से ब्राह्मणों के वोटों को अपने पक्ष में लेने का काम किया है जी। जातिवाद एक अहम मुद्दा भी दिख रहा है बलरामपुर में, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि जो प्रधान है वो अपने अकॉर्डिंग वहां पे फायदे देते हैं और जो अन्य है, और ये सारा गुस्सा विधायकों पर निकलता है क्योंकि जी इससे यह है कि जैसे ग्राम पंचायत जिसे त्रिस्तरीय चुनाव होता है उसमें प्रधान चुने जाते हैं, जो वोट लोगों के जो वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद जब जीतते हैं तो देखा जाता है कि कौन हमको कौन वोट दिया है कौन नहीं दिया है, जिसमें जब मान लीजिए कोई सरकारी लाभ आता हो या मुफ्त राशन की बात की जाए या प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए या पेंशन की बात की जाए, तो उसमें जो प्रधान होते हैं इसमें देखते हैं कि किसने वोट हमको दिया था उससे हम लाभ देंगे, इसी बात को लेकर जो वोटर हैं उन्हें नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी रहती है सरकार के ऊपर और विधायकों के ऊपर वोटर नाराजगी उतारते हैं जी। बिल्कुल अमित, ये एक अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो सारी जनता को लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े थे। अमित, हम थोड़ी देर में आपके पास बिल्कुल वापस आएंगे, आप बने रहिए मतदान केंद्रों पर। संवाददाता अमित बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े थे। बलरामपुर में कई अहम मुद्दे, अगर बलरामपुर में बात किया जाए तो 80,000 उन्होंने बताया कि पंडित वोट है, जहाँ पर मनोज तिवारी खुद चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे और
पंडित वोटों को अपने पाले में करने के लिए। ऐसे में खासा एक सवाल ये भी उठ के बलरामपुर से सामने आया है कि वहां की जनता को लाभ कितना मिला योजनाओं का। जैसे उन्होंने बताया कि प्रधान जो होते हैं उनको पहले पता होता कि कौन उनको वोट दे रहा है, वो उसी को योजनाओं का फायदा देते। इस तरह में देखना ये होगा कि जनता अब वहां के विधायक प्रतिनिधियों पर कितना अपना गुस्सा निकाल पाती है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनाव चल रहा है। आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। देर रात तक पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर पहुंचा दिया गया था। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर जिले की 9, अंबेडकर नगर जिले की 5, वहीं बलरामपुर जिले की 4 और सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जबकि बस्ती जिले की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, कुशीनगर देवरिया और बलिया जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता अपना निर्णय ईवीएम में आज कैद करेंगे। वहीं अगर बात की जाए इन 10 जिलों की 57 सीटों पर, तो कई जिले हॉट सीट बने हुए हैं। कई बड़े दिग्गज यहां से चुनावी मैदान में है। गोरखपुर सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां से चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात किया जाए देवरिया की, तो देवरिया में भी शलभमणि त्रिपाठी जो सूचना सलाहकार रहे हैं वो खुद चुनावी मैदान में है। हालांकि वो वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अगर बात स्वामी प्रसाद मौर्य की जाए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की टिकट से फाजिल नगर से चुनावी मैदान में है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए थे, तो कई बयान भी सामने आए थे बड़े बड़े मंत्री और नेताओं के, कई ऐसी बातें भी उनके लिए कही गई थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि फाजिल नगर की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य को कितना पसंद करती है और वो कितना कुछ कर पाते हैं इस बार की विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर बात कांग्रेस की जाए, तो कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू तमकुही राज से खुद चुनावी मैदान में है। कई दिग्गज उस बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात की जाए सतीश चंद द्विवेदी की, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं सतीश चंद द्विवेदी और वो भाजपा से इटवा विधानसभा से चुनावी मैदान में है। वहीं माता प्रसाद पांडे की बात की जाए, तो माता प्रसाद पांडे भी एक बड़ा चेहरा है, एक बड़े राजनीतिक चेहरा है वो, और वो सपा से इटवा विधानसभा से चुनावी मैदान में है। और अगर बात किया जाए जयप्रताप सिंह की, तो जयप्रताप सिंह भाजपा के बासी विधानसभा से चुनावी मैदान में है। वहीं सूर्य प्रताप शाही जो भाजपा से पत्थरदेवा से चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात की जाए अन्य पार्टी से, तो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी सपा पत्थरदेवा से चुनावी मैदान में है। और ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी भी एक बड़े राजनीतिक नेता हैं, बड़ा चेहरा है। केतकी सिंह जो निषाद पार्टी से बांसडीह विधानसभा से चुनावी मैदान में है। बात अगर गोरखपुर सदर की जाए, तो वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में है। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जो चीफ हैं, वो गोरखपुर सदर से विधानसभा चुनाव में हैं। कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है, जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं अगर बात किया जाए दया शंकर सिंह की, तो दया शंकर सिंह मंत्री स्वाति सिंह के पति हैं और इनको टिकट मिलने से पहले काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज इनके बारे में सामने आई थी। इनकी पोस्टल लाइफ को लेकर भी कई बातें सामने आई थी, जिसके बाद भाजपा ने इनको टिकट दिया और ये बलिया की विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नारद राय जो सपा से बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए दयाशंकर सिंह की, तो दयाशंकर सिंह भी काफी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। इनकी पत्नी स्वाति सिंह के साथ का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उस ऑडियो में इनको लेकर कुछ बातें भी कही थी। हालांकि कई अटकलें उसके बाद से लगाई जा रही थी, लेकिन भाजपा ने इन पे भरोसा दिखाया और इनको देवरिया माफ करिएगा बलिया से इनको टिकट दिया। वहीं नारद राय जो सपा से बलिया से उनको टिकट दिया गया है। नारद राय भी एक बड़ा चेहरा है, एक जाना माना चेहरा है। वही बात अगर रुद्रपुर की जाए, तो रुद्रपुर से जयप्रकाश निषाद भाजपा से चुनावी मैदान में है। वही रामभुआल निषाद सपा से हैं और सुरेश तिवारी बसपा से चुनावी मैदान में है। रुद्रपुर में भी तीनों बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है। तीन बड़े चेहरे रुद्रपुर से चुनावी मैदान में है। वही अगर खजनी विधानसभा की बात की जाए, तो श्रीराम चौहान भाजपा से चुनावी मैदान में है। रूपावती बेलदार सपा से, वही रजनी देवी कांग्रेस से
चुनावी मैदान में हैं। और बात अगर बोरिया की जाए तो आनंद स्वरूप शुक्ला भाजपा से चुनावी मैदान में हैं, जयप्रकाश अंचल बोरिया से हैं। कई बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में बोरिया से भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं राममूर्ति वर्मा सपा से, टांडा विधानसभा से, वहीं कपिल देव भाजपा से। टांडा में अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव भी चुनावी प्रचार प्रसार करने पहुंचे, तो उन्होंने कई बड़े बड़े वादे भी उनसे किए हैं। वहीं हमारे संवाददाता रवि देवरिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। रवि, देवरिया के मतदान केंद्रों का क्या कुछ जायजा है और वहां की जनता किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है? अपने छठे चरण का मतदान चुका है और 8 बज चुके हैं। सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं और आपको बता दें कि अभी भीड़ उतनी नहीं है, फिर भी 2-4 लोग आते जा रहे हैं। जी, अभी बड़ी मात्रा में जनता मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच रही, इसका क्या कुछ वजह हो सकता है रवि? जैसे मैम ये टाउन एरिया है, हम देवरिया सदर के शिशु मंदिर मॉन्टेसरी स्कूल में है और ये शहर है और यहाँ देखा जाता है कि लगभग 11 से 12 बजे के लगभग यहाँ लोग आते जाते नजर आते हैं। जी रवि, एक बार बात किया जाए देवरिया विधानसभा पे दिग्गजों की, तो देवरिया विधानसभा में कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है, ऐसे में कैसा मुकाबला हो देखने को मिलेगा देवरिया में? जैसा आपको बता दें कि यहाँ भाजपा से प्रत्याशी सल्लम त्रिपाठी है और सपा से अजय प्रताप सिंह है और कांग्रेस से पुरुषोत्तम नारायण सिंह हैं और बसपा से रामशरण सेक्सवार, ये चारों लड़ाई कांटे की टक्कर में लड़ाई में हैं और यह देखना जी स्पष्ट होगा कि जनता किसको वोट देती है, किसको अपना सरताज बनाती है। रवि, इन चारों दिग्गज के अपने अपने क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे और क्या दावे हैं इनके देवरिया की जनता से कि देवरिया की जनता इनके मत में मतदान? देवरिया की जनता बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा पर चल रही है और यहाँ सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का चल रहा है, जिसपे त्रिकोणीय लड़ाई भी चल रही है और जनता बेरोजगारी महंगाई पर भी काफी नाराजगी दिखा रही है। जनता की उम्मीदें क्या हैं? जनता को क्या लगता है कि इस बार जिसको चुन के भेजेंगे उनके लिए वो रोजगार देगा, क्योंकि रोजगार एक अहम मुद्दा है रवि। जिस तरह से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी एक मुद्दा बना है, ऐसे में अगर देवरिया जो गोरखपुर से सटा हुआ है और वहां से बेरोजगार के मुद्दे सामने आते हो तो एक अहम मुद्दा है, तो ऐसे में क्या कुछ वहां की जनता की उम्मीदें हैं? जनता ने अपनी मूड पूरी तरह बना लिया और जनता इस बार विकास के मुद्दे पे वोट करेगी और जनता ही फैसला करेगी कि 10 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा, किसके सर पर ताज चढ़ेगा। रवि, जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने भी जनता के बीच जाकर जनसभाएं की होगी, जनता से बातचीत की होगी, उनको लेकर वहाँ की जनता का क्या कुछ मूड है, क्या कुछ विचार है? जो मौजूदा विधायक हैं स्वर्गीय जनमेजय सिंह, उनके लड़के टिकट के दावेदारी में थे। जो वर्तमान विधायक थे सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, उनको टिकट काटकर सल्लमणि त्रिपाठी को दिया गया था। जी, सल्लमणि त्रिपाठी को एक बाहरी के रूप में भी वहाँ की जनता, कई ऐसे बात सामने आई है कि वहाँ की जनता कह रही है कि ये बाहरी है, तो ऐसे में अपना कितना विश्वास कायम करने में सफल दिख रहे हैं रवि देवरिया की जनता के बीच में? आपको बता दें कि सल्लमणि त्रिपाठी जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, यहाँ जनताओं द्वारा अफवाहें उड़ाई जा रही है कि सल्लमणि त्रिपाठी बाहरी प्रत्याशी हैं और यहाँ के बाहरी प्रत्याशी की वजह से नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। जी, नाराजगी देखिए, ऐसे में सल्लमणि त्रिपाठी किस तरह से वहाँ की जनता को उम्मीद दिला रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो वो बाहरी अन्य प्रत्याशियों की तरह देवरिया से वापस नहीं चले जाएंगे, वो वहाँ की जनता के बीच में रहेंगे और काम करेंगे, ऐसे में किस तरह की कोशिशें सल्लमणि त्रिपाठी के द्वारा की जा रही है रवि? कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ी सी नाराजगी है कि अगर सल्लमणि त्रिपाठी इस बार चुनाव जीतते हैं तो कहीं लखनऊ जाकर ना बैठ जाएं और यहाँ विकास का जो मुद्दा है वो मुद्दा ही बन के रह जाए। जी रवि, अगर बात की जाए देवरिया की जनता की, तो अभी देवरिया की जनता रोजगार का मुद्दा एक उनका अहम है, साथ ही साथ मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था किया गया है कोविड गाइडलाइन को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? आपको बता दें कि देवरिया जनपद को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, यहाँ चीनी मिलें काफी विगत वर्षों से बंद है और चीनी मिलों को लेकर भी यहाँ के सियासी घमासान काफी तेज है और सभी विपक्ष चीनी मिल को लेकर काफी वादे करते हैं। जी रवि, बिल्कुल, अगर चीनी मिल वहाँ पर बंद पड़ी है तो ये एक बेहद बड़ा मुद्दा भी हो सकता है बेरोजगारी का, क्योंकि चीनी मिल अगर वहाँ चलती है तो वहाँ की जनता को भी रोजगार बड़ी मात्रा में मिलेगी, तो क्या इस बार की जनता की मांग चीनी मिलों को भी खुलवाने की, दोबारा से स्टार्ट कराने की है? जनता की एक उम्मीद थी जो यहाँ के चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं और यह देखना होगा कि अभी तक जितने नेता मंच पे आते हैं, संबोधन करते हैं, मंच के दौरान बताते हैं कि हमारी सरकार में चीनी मिल खुल जाएगी, लेकिन आपको बता दें पिछले 10 वर्षों से चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। तो इस बार की जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं कि इस बार जो भी सरकार बनेगी क्या
चीनी मिल दोबारा से खुलवाएगी ताकि वहां की जनता को, वहां के युवाओं को चीनी मिलों में रोजगार मिल सके, क्योंकि अगर चीनी मिल खुलता है तो एक भारी मात्रा में वहां के वासियों को, वहां के निवासियों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में जनता की चीनी मिल को लेकर क्या उम्मीदें हैं रवि? जैसा कि अगर चीनी मिल खुलता है तो देवरिया की जनता के विकास की राह पे चलेगी और जो भी चीनी मिल खोलेगा आने वाले समय में जनता उसको चुन सकती है। जी रवि, क्या कुछ व्यवस्था मतदान केंद्रों पर किए गए हैं मतदाताओं के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कोविड गाइडलाइन को लेकर? यहाँ पैरामिलिट्री और पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय है और पल पल का जायजा ले रही है। और आपको बता दें कि यहाँ लोगों के मतों के लिए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है रवि? जो दिव्यांग जन है, जो ओल्ड एज है, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? यहाँ सभी प्रत्याशी के कार्यकर्ता लगाए गए हैं, जैसी सुविधा मिलेगी उनको दिया जा रहा है, हर संभव मदद किया जा रहा है यहाँ पे। रवि, महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था है, क्या कुछ उनकी अलग लाइनें हैं, क्या कुछ महिला पुलिस को अलग से वहाँ पे लगाया गया है? जी जी, यहाँ 3 बूथे बनाए गए हैं और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है, दोनों अलग अलग लाइनों के कतारों में खड़े हैं। रवि, कई ऐसे मुद्दे वहाँ की जनता में दिख रहे हैं जिससे खासा नाराजगी दिख रही है, और बात अगर सलमणि त्रिपाठी की करें, खुद सूचना सलाहकार है वो, सूचना काफी दिनों से रहे हैं, वो खुद भी एक पत्रकार हैं और वो बहुत अच्छे से जानते हैं सिस्टम व्यवस्था, क्योंकि वो सिस्टम में रहे हैं तो उनको कमियां और योजनाएं भी बेहद पता है। कितनी उम्मीदें वहां की जनता की सलमणि त्रिपाठी से? जैसा आपने बताया कि खासा विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच कुछ जनता ऐसी होगी कि उसको पता है कि वो सरकार में रहे हैं, उनको पता है कि कितनी क्या योजनाएं देनी है, तो उम्मीदें कितनी है जनता को सलमणि त्रिपाठी से? कहीं ना कहीं इस बार सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं, जो भी सरकार बनेगी लोग एक उम्मीद से वोट कर रहे हैं, अपने मुद्दे पे वोट कर रहे हैं कि इस बार विकास होगा, हमें नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी खत्म होगा, इसी मुद्दे पे लोग अपना वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, वहाँ के मतदान केंद्रों पर बने रहिए और जब भी मतदाता वहाँ आते हैं आप उनसे उनका मत जानिए, ये बहुत जरूरी है कि जनता किन मुद्दों पर वोट देगी। हम थोड़ी देर में दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए थे देवरिया से, जहाँ से सलमणि त्रिपाठी खुद चुनावी मैदान में है। वही आइए आपको सुनवाते हैं, रवि ने देवरिया की जनता से बातचीत भी की है, आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ जनता का मत है देवरिया की। आज मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा ही प्रमुख होना चाहिए, क्षेत्र का विकास करे और ये मतदान स्थल देवरिया का सबसे शांति, सबसे साफ सुथरा, सबसे अच्छा है, यहाँ के तबीयत पसंद हो जाती है। विकास देश प्रदेश और क्या, इससे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए इस बार चुनाव में हम लोग के मन में अभी तो ये फिलहाल कि जो हमारे देश की रक्षा करे और हमारे देश में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करे और हम महिलाओं के लिए भी प्रयास करें और हम महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए और जो बेरोजगार हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है उन लोगों के लिए भी जो कार्य करें, हम लोग उन्हीं को वोट देना चाहते हैं। आपने सुना कि देवरिया की जनता का क्या कुछ मत है, देवरिया की जनता का अहम मुद्दा विकास है, रोजगार है। देवरिया गोरखपुर से सटा हुआ है और ऐसे में रोजगार एक अहम मुद्दा वहां पर बन जाना और चीनी मिलों का 10 सालों से बंद रहना बेरोजगारी को बढ़ावा देता है, तो ऐसे में वहां की जनता का ये भी उम्मीद है कि जो भी सरकार बनती है वो देवरिया के चीनी मिलों को खुलाए। हालांकि वहाँ की जनता का कहना है कि बड़े बड़े मंत्री नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो देवरिया में चीनी मिलों को खुलाएंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार बनने के बाद जनता की उम्मीद पर कौन खरा उतरता है। हालांकि 10 साल हो गए वहाँ पर चीनी मिलों का बंद होना। वहीं आपको फिर से एक बार बता दें कि सलमणि त्रिपाठी खुद वहाँ से चुनावी मैदान में सूचना सलाहकार है, वो सरकार में रहे, उनको पता है कि किस तरह से विकास कार्य करना है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि जनता कितना भरोसा दिखा पाती है, कितना भरोसा दिखाकर सलमणि त्रिपाठी को चुनेगी या किसी अन्य को चुनेगी। हालांकि ये सब जनता के हाथ में है, इनकी किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में बंद करेगी और ये 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता ने आगे अपने 5 सालों के विकास के लिए किसको मौका दिया है।
उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होना था, 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 6वें चरण का चुनाव जारी है। अवध क्षेत्र और पूर्वांचल में 6ठे चरण का चुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी मतदान किया है। ओपी राजभर ने परिवार के साथ वोट डाला, बलिया मऊ में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, ऐसा राजभर ने कहा जब वो वोट डालने आए थे। महंगाई से परेशान जनता बदलाव चाहती है, ऐसा ओपी राजभर का कहना है। ओपी राजभर भी मतदान कर चुके हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल की 153 सीटों में हम 125 सीटें जीत रहे, ये बड़ा दावा सुभाषपा के द्वारा किया गया। वही मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी मतदान किया है, भाजपा सरकार बनने जा रही है ऐसा उन्होंने कहा है। विपक्ष का चुनाव में सूपड़ा साफ होगा ऐसा सतीश द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है। तो अभी और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वही हमारे संवाददाता हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ नगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं सिद्धार्थ नगर की मतदान केंद्रों पर? यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे चार चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें अर्धसैनिक बल से लेकर के जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो प्रशासन के द्वारा की गई हैं। हम इस समय मौजूद हैं 305 इटवा विधानसभा क्षेत्र के वैनिया खास मतदान स्थल पर, बूथ संख्या 388 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको कि किस तरह से लाइन में कतारबद्ध होकर के लोग वोट डाल रहे हैं। जी, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है प्रशासन की ओर से कोरोना की गाइडलाइन फॉलो कराने के लिए? रवि प्रकाश जी, यहाँ पर पुलिस के जवान लगे हुए हैं, बाकी प्रधान जी अपना जो भी इनका है लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से कैसे क्या है, गाइडलाइन कोरोना का पूरा पालन कराने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। सिद्धार्थ नगर की जनता के मुद्दे क्या कुछ है रवि? किन मुद्दों पर सिद्धार्थ नगर की जनता मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है? जी, अब ये तो जनता से ही पूछना पड़ेगा, लाइन में हमारे हैं जी बिल्कुल रवि, जब वो वोट डाल के आए तो बिल्कुल आप उनसे बात करें और उनका मत जाने। इसके पहले एक बार हम ये जान लें रवि, सिद्धार्थ नगर से कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है? जी, अगर बात की जाए इटवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी हैं, और वहीं पर सपा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और यहां से 6-6 बार विधायक रह चुके माता प्रसाद पांडे हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इटवा विधानसभा क्षेत्र से ही हरिशंकर सिंह हैं, जो बीजेपी के बागी नेता हैं और वो बसपा से इस बार अपना उम्मीदवारी ठोके हैं, तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं अपना दम ठोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए डुमरियागंज से तो डुमरियागंज से हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और मौजूदा जो बीजेपी के विधायक थे वो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। साथ में जो पहले डुमरियागंज से वो 172 वोट से जीते थे, इस बार जो बसपा की कैंडिडेट थी वो सपा की उम्मीदवार बनाई गई है, और इस तरह से डुमरियागंज में सपा और बीजेपी की लड़ाई जबरदस्त है। जी, अगर बात की जाए डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी और माता प्रसाद पांडे की, तो ये दोनों दिग्गज, माता प्रसाद पांडे एक सीनियर नेता हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी जो हैं वो भी मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, ऐसे में क्या कुछ, कितनी बड़ी लड़ाई इन दोनों प्रत्याशियों के बीच देखने को मिल सकती है रवि, और जनता किसके पक्ष में ज्यादा जाएगी, जनता को उम्मीदें किससे दिख रही हैं इस बार? जी, आपको बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थनगर जिले में 3 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर खूब कांटे की टक्कर है। बांसी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां से उत्तर प्रदेश सरकार के परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हैं, उनको सपा के उम्मीदवार नवीन दुबे उर्फ मोनू दुबे के द्वारा कड़ी टक्कर दी जा रही है। इटवा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको माता प्रसाद पांडे और बसपा के प्रत्याशी द्वारा कड़ी टक्कर दी जा रही है। क्या कुछ मुद्दे हैं सिद्धार्थ नगर के, और क्या कुछ और विकास सिद्धार्थ नगर की जनता चाहती है? मुद्दों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई है, बेरोजगारी है, और छुट्टा गौवंश को भी लेकर के कहीं ना कहीं किसान परेशान होते हुए नजर आए हैं। इन सारी चीजों को लेकर के जनता वोट डालेगी, और हमारे साथ कुछ वोटर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। बिल्कुल रवि, आप बात करें।
आप जनता से बात करें और उनका मत जाने कि किन मुद्दों पर वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ उनका मुद्दा है, क्या कुछ वो विकास चाहती है सिद्धार्थ नगर की जनता। कितना उम्र है आपका, कितना उम्र होगा? अच्छा, आप कितना उम्र कौन से मुद्दों को लेकर के इस बार आप वोट डाल रहे हैं, कौन सा मुद्दा आपका है, किसको वोट करेंगे आप? रवि, आप इनसे ये जाने कि इनको योजनाओं का फायदा मिला, इनको पेंशन मिला? पेंशन पा रहे हैं, राशन पा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद आप साइकिल को वोट करेंगे? चलिए ठीक। सिद्धार्थ नगर की जनता का ये अपना मत है रवि कि वो किसको वोट करेगी, आप विकास के मुद्दे जाने और उनके मुद्दे जाने कि वो किस पे वोट करेगी, ये तो उनका अपना मत है कि वो किसको वोट देंगे, आप उनसे ये जाने कि उनको क्या कुछ विकास चाहिए आगे। बिल्कुल 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 जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूंगा। हाँ हाँ, इधर आप वोट डालने आई हैं? कौन से मुद्दे लेकर के आप वोट डाल रही हैं, क्या चाहती हैं कि जो आपका उम्मीदवार जीते, क्या काम करे क्षेत्र में? चलिए ठीक, आप वोट डालने आई हैं, कौन से मुद्दे लेकर के वोट डाल रही हैं, जैसे क्या चाहती हैं कि आपका जो विधायक जीते, किस तरह से क्षेत्र में विकास करे? चलिए, यह कुछ बताने से असमंजस में है, बाकी हमारे साथ पुरुष कैंडिडेट भी हैं, इनसे जानते हैं, वोटर हैं जी। बिल्कुल रवि प्रकाश, थोड़ा सा आप इधर हो जाइए सर, आ जाओ। कौन से मुद्दे लेकर के इस बार आप वोट कर रहे हैं, मतलब आपके जो विधायक जीते क्या विकास करे, कुछ है आपका ध्येय, यानी कोई मतलब नहीं है? दवाई पैसा दिए और का करें, राशन पा रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, तो और से कौन से मुद्दे लेकर के आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास लाइन अनाज मिले चाहिए, लाइक एक बारी दिए और का करें। चलिए ठीक, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। चाचा, आप कौन से मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं इस बार, मतलब आपके विधायक कौन सा काम करे जिससे आपका विकास हो? हमारा कोई काम नहीं हुआ है, ना हम आवास पाते हैं, ना हम वो पाते हैं जो मोदी वाला पैसा, ना हमारा कोई साथ वाला होता, कुछ भी नहीं हमको मिलता है। तो इस बार मौजूदा सरकार के विपक्ष में वोट करेंगे, बदलाव के मूड में है आप? इसके पास सरकार के बदलाव के मूड में है? हाँ, चलो आप वोट डालने आए हैं, कौन से मुद्दे लेकर के आप वोट डाल रहे हैं? विकास। तो इस बार आपको राशन पेंशन ये सब मिल रहा था? नहीं मिल रहा, राशन मिल रहा है, पेंशन तो हमारे संवाददाता रवि सिद्धार्थ नगर से मतदाताओं के बीच में उनका मत जान रहे हैं और सिद्धार्थ नगर की जनता काफी जागरूक है और उसको कई योजनाओं से मतलब है, उन्हें अनाज चाहिए, उन्हें विकास चाहिए। वहीं अगर बात की जाए सिद्धार्थ नगर सीट की तो डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री है भाजपा सरकार में इटवा विधानसभा से, वही माता प्रसाद पांडे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सपा के नेता है और सपा से विधानसभा चुनाव में है और ये बड़े नेता है, कद्दाव नेता है, इनके बीच लड़ाई है, ये भी इटवा विधानसभा क्षेत्र से। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जनता किस पे भरोसा जताएगी, जनता किसके मत में चुनाव देगी। सिद्धार्थ नगर की जनता का एक अपना है मुद्दा भी है, कहीं ना कहीं छुट्टा जानवरों का भी एक अहम मुद्दा है सिद्धार्थ नगर के किसानों का। तो ऐसे में देखना होगा कि जनता किसको अपना मत देगी, किस पे अपना भरोसा दिखाएगी, विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, बाढ़ के मुद्दे, छुट्टा जानवरों के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे, ऐसे कई मुद्दे पूर्वांचल में अहम है। वही आपको बता दें कि लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और आप तक सारे खबर और अपडेट पहुंचा रहे हैं। पूर्वांचल अवध क्षेत्र में मतदान चल रहे हैं, वही छठे चरण का चुनाव हो रहा है, 57 सीटों पर यह मतदान हो रहा है, 10 जिलों में यह है, 676 कुल उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। अभी तक सीएम योगी
सुबह सुबह पहुंचे थे, जिन्होंने अपने मत का मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से खासा अपील भी की कि सभी अपने मत का इस्तेमाल करें। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी मतदान किया है। ओपी राजभर ने परिवार के साथ वोट डाला, साथ ही साथ ओपी राजभर ने यह भी कहा है कि बलिया मऊ में भाजपा का खाता तक नहीं खुलेगा। राजभर ने कहा कि महंगाई से जनता परेशान है, अब वो बदलाव चाहती है। ओपी राजभर वोट डालने पहुंचे हुए थे अपने परिवार के साथ, जहां पर उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्वांचल की 153 सीटों में से हम 125 सीटें जीतेंगे। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रजनीश बस्ती से हमारे साथ जुड़ेंगे। रजनीश, क्या कुछ जायजा है वहां की मतदान केंद्र का, और जनता पहुंचना शुरू हो गई है मतदान केंद्र तक? जनता जो है पूरी तरीके से उत्साहित है मतदान के लिए। मतदान केंद्रों पे लगातार कतारबद्ध पूर्वक सभी लोग मतदान कर रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको दिखा दें, इस समय हम मौजूद हैं बस्ती जो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ कचरा का अभूत है, और यहाँ पब्लिक किस तरीके से जो है कतार में लग के जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। तो प्रशासन का पुख्ता इंतजाम पूरी तरीके से किया गया है। जी रवि, बस्ती की जनता के मुद्दे क्या हैं? बस्ती की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है? मुद्दे जो है साफ तौर पर विकास के मुद्दे हैं, जैसे सड़क, बिजली, नाली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बस्ती की जनता इन्हीं मुद्दों पर लेकर जो है अब की भारत में मताधिकार का प्रयोग करना चाह रही है। कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है बस्ती से? देखिए, अगर दिग्गजों की हम बात करें तो हरैया विधानसभा क्षेत्र जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है इस समय, वहाँ मौजूदा विधायक जो है बीजेपी के अजय सिंह, और एक बसपा के जो है पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं राजकिशोर सिंह जी, और सपा के प्रत्याशी जो है त्र्यंबक नाथ पाठक, वो भी मौजूदा समय पूरी तरीके से अपना दमखम आजमा रहे हैं। अगर सदर सीट की बात करें तो यहाँ जो है सपा जिलाध्यक्ष जो है महेंद्र नाथ यादव हैं सपा से, और वहीं बीजेपी से जो है दयाराम चौधरी जी हैं, और बसपा से जो है यहाँ आलोक रंजन जी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा के बीच बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी रजनीश, अगर बात जनता की जाए, क्योंकि जनता अहम है, जनता ही आज इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद करेगी, तो जनता क्या कुछ और उम्मीदें रखती है कि अगर सरकार बनती है तो बस्ती की जनता के और कुछ क्या विकास कार्य किए जाएंगे, चाहे वो रोजगार के लिए हो या फिर किसानों के लिए, क्या कुछ और योजनाओं की उम्मीद रखती है बस्ती की जनता? देखिए, साफ तौर पे जनता से हम लोगों ने लगातार बात की है और ये जानने की कोशिश की है। जनता का साफ तौर पे रुझान पूरी तरीके से है कि जो सरकार विकास के मुद्दों को बात करेगा, जो जो है युवाओं के लिए रोजगार की बात करेगा, जो किसानों के हित की बात करेगा, जो सड़क, बिजली, नाली, पानी इत्यादि तमाम चीजों पर बात करेगा, हम सब पूरी बस्ती की जनता जो है उन्हीं को मिलकर वोट करेगी और उन्हीं की सरकार बनाएगी। क्या कुछ विकास चाहती है रजनीश बस्ती की जनता? क्या कुछ उसको योजनाएं चाहिए? सड़क हो, छुट्टा जानवर हो, क्या कुछ विकास चाहती है बस्ती की जनता? देखिए, अगर बस्ती की हम बात करें तो गुरु वशिष्ठ के नाम पे यह बस्ती जानी जाती है, जिसकी पहचान अभी भी है। और हम बात करें बस्ती जो है, पहले 5 मई 1965 को बस्ती जो है गोरखपुर से अलग एक जिला बना, मंडल बना, अब उसको उस मंडल में भी धीरे धीरे काट के इसको अलग अलग जिले बनाया गया, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, फिर बस्ती, लेकिन बस्ती मंडल है। और बस्ती अगर मंडल की हम बात करें तो विकास कार्यों को लेकर अभी बस्ती बहुत पीछे है। और जैसे यहाँ अभी सरकार तमाम योजनाएं लाई है, किसानों के लिए सम्मान निधि लाई है, और सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की बात करती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सारी चीजें चुस्त तंदुरुस्त होने की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हम बात करें तो अभी भी बहुत सारी खामियां ऐसी हैं जो इस सरकार में अभी वो दावे पूरे नहीं किए जा सके हैं, कहीं कहीं वो अभी खामियां थोड़ी बहुत बची हैं। रजनीश, हम आपसे कहेंगे कि आप वहाँ के मतदाताओं से बात करें और उनका मत जाने कि वहाँ की जनता किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्रों पर जा रही है, आप वहाँ की जनता से बातचीत करें। जी, यहाँ ऐसे तमाम मतदाता खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? अब की बार किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? विकास के मुद्दों पे। तो बस्ती अभी भी क्या विकास के लेकर, अभी बस्ती तो बहुत कुछ विकास कार्यों को बाकी है, तो कैसे आप किसी बचे हुए कार्य हैं, जैसे जो काम हो चुके हैं, यहाँ पर शुगर मिल खुल गया है, मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, तो ऐसे बहुत विकास है अभी जो नहीं हुए, उस विकासों से हमने किया है। जी, हमारे साथ जुड़े थे तो हम और भी लोग कतार में लगे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो है आखिर बस्ती किन मुद्दों को लेकर जो है वो अब की बार मतदान करेंगे, और जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार चलें
जो कतार में लगे हैं उनसे बात करें, आप जनता से बात करें, क्योंकि जनता सबसे अहम है। जनता ही सीट दिलाती है, सत्ता पर बैठाने का काम जनता करती है। जनता अहम है और जनता आज बस्ती के भी दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगी, तो ऐसे में मतदाताओं का मत जानना बेहद अहम है। रवि, अब बिल्कुल बात करें। जी, हमारे साथ जो है इस वक्त देखिए, यहाँ कट्टा बूथ पे तमाम ऐसे मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हम इनसे सीधे तौर पे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं। बहुत मुद्दे हैं, जैसे महंगाई हुआ, शोर हुआ, ये सब इस मुद्दे पे हम लोग, मतलब महंगाई ज्यादा है, सबसे ज्यादा महंगाई। अब क्या पेंशन वगैरह आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है। राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, राशन मिलता है। अच्छा, और भी हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे भी बात कर लेंगे। चाचा, क्या नाम है? बाला नाम भी सही। तो अब की बार किन मुद्दों को लेकर किस सरकार को आप चुनना चाह रहे हैं? पढ़े नहीं है तो फिर भी इतना तो दुनिया साहब गारा माटी कर रहे हैं, खा रहे हैं, जी खा रहे हैं। तो रजनी साहब, इनसे जाने, सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ चाहते हैं कि सरकार इनके लिए क्या कुछ करे? तो देखिए, जैसे होता है कि वोट मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और भी हमारे साथ है, हम बात करेंगे। दादाजी, क्या नाम है? सरकार तमाम विकास कार्यों को की है, और क्या कुछ और सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? कहते हैं जो देश के बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में। तो देश के बारे में सोच रहा है, तो इस सरकार से आप खुश हैं? हम, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी सब सुरक्षित है, सब विकास और सारी चीजें सब उसी से निकल कर। देखिए, हमने तमाम ऐसे यहाँ लोगों से बात किया, कई लोग ऐसे हैं जो देश के हित की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, सड़क नाली बिजली तमाम चीजों को लेकर जो बात करेगा, हम ऐसी सरकार को चुनेंगे। साफ तौर पे यहाँ के मतदाताओं का कहना है जी, राष्ट्रवाद भी एक अहम मुद्दा है रजनीश। जनता को अपने राष्ट्र की बेहद चिंता है, सभी का कहना है कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। ऐसे में बस्ती की जनता के एक अहम मत जानने को मिला, और देखने को ये मिला कि बस्ती की जनता अपने राष्ट्र को भी सर्वोपरि समझती है। और ऐसे कई विकास के मुद्दे भी है, रोडों को लेकर के क्या कुछ कहना है बस्ती की जनता का, क्योंकि पहले भी रजनीश कई ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं। हम बात करेंगे, देखिए हमारे साथ एक युवा है मतदान के लिए आए हुए, हम इनसे बात करेंगे। दादा, यहाँ की सड़कों का क्या हाल है? यहाँ के सड़कों का पोजीशन बहुत खराब है। तो अब की बार कैसी सरकार लाना चाहेंगे? अच्छा, महंगाई देखती रहे, कड़वा तेल जिंदगी में इतना महंगा कभी भी, मतलब महंगाई चरम पे है। और ये साग सब्जी इतना महंगा कभी भी नहीं, इतना आप क्या तो देखिए, हमने बात किया और भी कुछ यहाँ महिलाएं, हम इनसे भी बात करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किन किन मुद्दों को लेकर किस प्रकार की सरकार दादी वोट डालने जा रही हैं। क्या नाम है? अब की बार कैसी सरकार चुनना चाहती हैं? क्या नाम है भैया? अच्छा अच्छा, तो और भी आप देखिए, लोग महंगाई से त्रस्त है, कहीं कहीं अभी जो सड़क का जो जाल है पूरी तरीके से अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, लोग सरकार कहती थी गड्ढा मुक्त हो गया, लेकिन अभी तमाम ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढा युक्त अभी भी हैं, तमाम ऐसी सारी खामियां। फिर बहरहाल देखते हैं आने वाले समय में इसकी सरकार बनती है क्या होता बिल्कुल है। बिल्कुल रजनीश, बस्ती की जनता राष्ट्रवाद की भी बातें कर रही है, उनको रोजगार भी चाहिए और उनको रोडे भी चाहिए, तो ऐसे में देखना यह होगा कि जो भी सरकार बनती है, जो भी प्रत्याशी को वो चुनते हैं, वो उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। रजनीश, आप लगातार मतदान केंद्रों पर बने रहे, हम जल्दी आपसे दोबारा जुड़ेंगे और जानेंगे वहां के अन्य मतदाताओं का जो मत है वो क्या है। हमारे संवाददाता रजनीश बस्ती से हमारे साथ जुड़े थे, जहां पर राष्ट्रवाद के साथ साथ विकास, रोड, रोजगार और महंगाई अहम मुद्दा है। और अगर बात की जाए बस्ती की जनता की, तो बस्ती की जनता महंगाई से त्रस्त नजर आ रही है, और सब बातों को दिमाग में रखकर मतदान केंद्रों पर बस्ती की जनता पहुंच रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव छठे चरण में आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी, देर रात तक पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया था। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर जिले की 9, अम्बेडकर नगर जिले की 5, बलरामपुर
रायपुर जिले की 4, सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जबकि बस्ती जिले की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, वहीं कुशीनगर देवरी और बलिया जिले के 7 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता अपना निर्णय ईवीएम में आज कैद करेंगे और ये 10 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना मत दिया है, जनता ने किसको अपना नेता चुना है, जनता ने आगे अपने विकास का 5 साल किसको और मौका दिया है। और अलग अलग जिलों से अलग अलग मुद्दे निकल के आ रहे हैं। अगर बात देवरिया की जाए तो देवरिया में चीनी मिल एक अहम मुद्दा है, वहां पर बेरोजगारी चरम पर है और वहाँ की चीनी मिलें 10 सालों से बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में देवरिया की जनता की ये भी उम्मीद है कि जो भी अब सरकार में आएगा, जो जिसको भी अपना वो प्रतिनिधि चुनेंगे, वो वहाँ की चीनी मिलों को वापस खुलवाए। हालांकि वहाँ की जनता का ये भी कहना है कि बड़े बड़े नेता आते हैं अपनी भाषणों में, बड़े बड़े वादे करते हैं कि लगातार ये उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी, किस तरह से चीनी मिलें भी खुलवाई जाएंगी ताकि देवरिया की जनता को रोजगार मिल सके। देवरिया गोरखपुर से सटा हुआ है और ऐसे में विकास होना एक अहम मुद्दा है। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है। इसी कड़ी में संवाददाता अमरेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेश, मतदान बलिया पे मतदान केंद्रों का क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? कृष्णा जी, आपको बता दें, यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर तमाम रिजर्व फोर्स और पुलिस पुख्ता और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी, बलिया के मुद्दे क्या क्या हैं? अगर बलिया में देखा जाए तो बलिया में कई अहम मुद्दे और कई दिग्गज बलिया से चुनावी मैदान में भी हैं। काफी उठा पटक भी देखने को मिला था, इसकी टिकट काट के उनको टिकट दिया गया था, तो ऐसे में क्या कुछ जनता की उम्मीदें हैं यहाँ के प्रत्याशियों से? त्रिशा जी, आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी सरकार में 2 मंत्री थे, उपेंद्र तिवारी और आनंद स्वरूप शुक्ला। आनंद स्वरूप शुक्ला का नगर विधानसभा से टिकट काटकर बैरिया विधानसभा किया गया और वहां से प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह को नगर विधानसभा से सीट मिला। और आपको बता दें, दयाशंकर सिंह और नारद राय सपा के पूर्व मंत्री रहे, इनमें एक जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है। यहाँ से सबसे निर्णायक वोटर है ब्राह्मण। ब्राह्मण जिस तरफ अपना मूव करते हैं वो सीट निकलेगी जी, या आने वाला वक्त मालूम चलेगा कि 10 मार्च को किस तरफ होगा। अगर बात दयाशंकर सिंह की जाए तो दयाशंकर सिंह का कितना पाठ देखने को मिल रहा है? दयाशंकर सिंह को कई बार कंट्रोवर्सी में रहे हैं वो, अगर देखा जाए तो टिकट मिलना कटना, ऐसी कई बातें सामने आई हैं। और दयाशंकर सिंह कितने मजबूत अपनी सीट से दिख रहे हैं, उनके सामने नारद राय जो एक बड़े नेता है वो भी है, तो कितना कुछ पाठ दयाशंकर सिंह का देखने को मिल रहा है? देखिए त्रिशरा जी, आपको बता दे, यहाँ से दयाशंकर सिंह और नारद राय में पूरी तरह से जोरदार टक्कर है। और दयाशंकर सिंह एक जातिगत आंकड़ा बता दे तो ठाकुर और वैश्य और ब्राह्मण, ये 3 तरफ जिधर जाएंगे उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन नारद राय पुराने नेता है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को एक अपने ओर आकर्षित करने के लिए तमाम प्रबुद्ध सभा से तमाम रैलियां किए जिससे ब्राह्मण जुटे, और यहां से निर्णायक रूप से ब्राह्मण की ही भूमिका सदर के लिए होगी। वहां की जनता का क्या कुछ मुद्दा है, वो क्या कुछ चाहती है कि अगर वो किसी को भी अपना प्रत्याशी बनाती है तो बलिया का क्या कुछ विकास चाहिए, बलिया की जनता को विकास कार्य क्या कुछ चाहिए, उनके क्या क्या मुद्दे हैं, रोड, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या कुछ उनको चाहिए अपने प्रतिनिधि से? त्रिशा जी, आपको बता दें, जिस तरह की यहाँ मतदाताओं से हमने बात किया तो उनका कहना है कि हम विकास, ऑनलाइन ऑर्डर और महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम अलग अलग विचार देखने को मिला कहीं। अब देखिए क्या होता है 10 मार्च को। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई ये भी मुद्दा है, लेकिन एक तरफ से जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, महिलाएं कह रही कि हम सुरक्षित है, दोनों तरफ से एक बैलेंसिंग करके चल रहा है, ये आने वाला 10 मार्च को ही पता चलेगा। वहीं अगर बात किया जाए वहां के अन्य प्रत्याशियों की, तो अन्य प्रत्याशियों की क्या कुछ बैठ है अखिलेश बलिया में? देखिए, जिस तरह 2017 के जिस तरह यहां से बीजेपी ने 5 सीट जीत 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 हासिल की, कहीं ना कहीं इस बार ये इस सीटों में कमी आना लाजमी है, क्योंकि एक जिस तरह की सड़कों की स्थिति और महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे जरूर बलिया में हावी रहेंगे।
जी बिल्कुल अखिलेश, आप मतदान केंद्रों पर बने रहिए, वहां के मतदाताओं से जानिए कि उनका मत क्या है और वो किस दिग्गज को आगे 5 साल मौका देने वाली है और क्या कुछ उम्मीदें हैं। हम जल्द ही आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई दिग्गज भी अभी तक मतदान कर चुके हैं। अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पर 7:30 बजे के लगभग पहुंच चुके थे, उन्हें अपने मतदान का प्रयोग किया। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उपेंद्र तिवारी जो मंत्री है उन्होंने भी अपने मतदान का प्रयोग किया। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी भी मतदान कर चुके हैं। लगातार सभी दिग्गज भी अब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं जगदम्बिका पाल भी मतदान कर चुके हैं, सांसद हैं वो। वहीं शिव प्रताप भी अपने मतदान का प्रयोग कर चुके हैं, सांसद हैं वो भाजपा से। कई दिग्गज अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, शिव प्रताप शुक्ला भी मतदान कर चुके हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो बलिया में भी कई लोग पहुंच चुके हैं, सुभाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी मतदान किया है। वहीं मंत्री सतीश भी मतदान कर चुके हैं। कई दिग्गज पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, मतदान कर रहे हैं और जनता से ये अपील कर रहे हैं कि जनता भी बढ़ चढ़ कर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल करे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान कर चुके हैं, वो सुबह 7:30 के बीच पहुंचे हुए थे मतदान केंद्र पर। इसी बीच मंत्री जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश चंद द्विवेदी, वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे और अपने मत का इस्तेमाल किया। जनता से अपील की कि जनता भी अपने मत का इस्तेमाल करे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपना सरकार चुनने के लिए आगे आए। इसी कड़ी में अगर बात किया जाए तो ओपी राजभर भी मतदान कर चुके हैं। ओपी राजभर मतदान केंद्र पर पहुंचे थे और उन्होंने वहीं सुभाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी मतदान किया। तो ओपी राजभर ने परिवार के साथ वोट डाला। बलिया मऊ में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, ऐसा ओपी राजभर का कहना है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में 153 सीटों पर हम 125 सीटें जीत रहे हैं, ऐसा सुभाजपा के जो अध्यक्ष है ओपी राजभर उनका कहना है। हालांकि बलिया की अगर बात की जाए तो बलिया में कई दिग्गज चुनावी मैदान में। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने बलिया के मतदाताओं से बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं कि बलिया के मतदाताओं का क्या कुछ मत है। इस समय मौजूद है टाउन इंटरमीडिएट कॉलेज, जहां मतदान केंद्र को एक अलौकिक ढंग से, एक अलग रूप से, एक लोकतंत्र के पर्व को सजाया गया है। आइए पहला मतदान करके आए हैं, इनसे बात करते हैं, कितना उत्साह है। मैं अति उत्साहित हूँ। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी आज सुबह 5 बजे घर से जब वहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं तो उसके अंत में ही सीधे हम चले आए बूथ पर, और सौभाग्य रहा कि मैं पहला मतदान करता हूँ यहाँ पे। और इस बूथ को देखने पे इतना अच्छा लग रहा, मॉडल सजाया गया है, गुब्बारे हैं, मैट है, पानी है, तंबू है, और यहाँ के स्टाफ और सभी लोग जो है बड़े ही सहयोगी रूप में हैं हमारे साथ। किस मुद्दे पे आपने वोट किया? हमने विकास के मुद्दे पर वोट किया और ये सरकार इतनी स्मूथ रंग से चल रही है कि विकल्प कोई दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने कहना है कि विकास के मुद्दे, लेकिन लोकतंत्र, मतदान हमारा हक नहीं जिम्मेदारी भी है। आप जिस विधानसभा के रहने वाले हैं मतदान जरूर करें। अखिलेश कुमार, प्राइम टीवी बलिया। आपने सुना कि जो बलिया के मतदान केंद्र के पहले मतदाता है उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने विकास के मुद्दों पर वोट दिया, वो मॉर्निंग वॉक के बाद ही मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। ऐसे में बलिया की जनता में भी उत्साह दिख रहा है कि बलिया की जनता बढ़ चढ़ कर पहुँच रही है मतदान केंद्रों पर, हिस्सा ले रही है। और बलिया से जो दिग्गज चुनावी मैदान में अगर बात हम करें तो कई दिग्गज चुनावी मैदान पर है। दयाशंकर सिंह भी चुनावी मैदान में है, नारद राय सपा से उनके ऑपोजिट में खड़े हैं और नारद राय भी काफ़ी सीनियर नेता है और उनकी पैट मानी जाती है बलिया में। ऐसे में देखना होगा कि दयाशंकर सिंह कितना कुछ अपनी उम्मीदें पर खरी उतर पाएंगे, जनता उन पे कितना भरोसा दिखाएगी। अब दयाशंकर सिंह भाजपा से प्रत्याशी हैं, कई कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद दयाशंकर सिंह को टिकट मिला था। ऐसे में अगर बात की जाए दिग्गजों की तो कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं, लगभग भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज। और यह जो चुनाव है वो पूर्वांचल और अवध में हो रहा है। इस बीच पूर्वांचल की कई सीटें भी अहम है। और अगर बात की जाए तो दिग्गजों की तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कई दिग्गज अभी तक अपने
अपने मताधिकारों का इस्तेमाल कर चुके हैं, उनका प्रयोग कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद सुबह 7 से 7:30 के बीच में मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, वहीं उपेन्द्र तिवारी जो मंत्री हैं वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भी मतदान केंद्र पहुंच अपने मताधिकार का प्रयोग किया उन्होंने। वही बात अगर करें भाजपा की तो भाजपा सांसद शिव प्रताप शुक्ला भी मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल भी मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी लोगों ने जनता से अपील भी की कि सभी अपने मत का प्रयोग जरूर करें, मतदान के इस महापर्व में सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 कुल 7 चरणों में होना था, वहीं 6ठे चरण का मतदान आज जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह मतदान होना है। कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बार चुनावी मैदान में है। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से यह चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात किया जाए 2017 के नतीजों की तो 2017 में 57 सीटों पर कुल 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। वहीं अगर बात सपा किया जाए तो सपा को 2 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 और बसपा को 5 और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। वहीं इस बार देखना ये होगा कि 57 सीटों पर कौन अपना पैठ बना पाता है। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इसी कड़ी में आइए आपको लेके अम्बेडकर नगर चलते हैं, जहाँ से हमारे संवाददाता राहुल पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहाँ की मतदान केंद्रों पर? देखिए, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही वोटों का सिलसिला जो है जारी हो चुका है। हमारे आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर आखिर किस तरीके से हुजूम उमड़ा है, लोग उत्साहित हैं मतदान करने के लिए। हम कटेरी के आदर्श बूथ इल्फातगंज बूथ पर खड़े हैं। यहाँ का ये नजारा है। अगर वोटिंग की बात कर ले तो अभी तक जो परसेंटेज की अगर बात कर ले तो अकबरपुर विधानसभा में 9% अभी तक मतदान हुए हैं, कटेहरी में 10% हुए हैं और जलालपुर में 11% मतदान हुए हैं। अगर टांडा विधानसभा की बात कर ले तो टांडा विधानसभा में 8.3% अभी तक मतदान हो चुके हैं। अगर आलापुर विधानसभा की बात कर ले तो 9% अभी तक हुए हैं। जी सिलसिला जी, अम्बेडकर नगर की जनता का क्या मूड है? अम्बेडकर नगर की जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है? देखिए, अगर कटेरी विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ की सीधे त्रिकोणीय लड़ाई है, सपा और बसपा और निषाद राज भाजपा गठबंधन पार्टी की है और तीनों ही दिग्गज नेता हैं और लोकप्रिय नेता अवधेश द्विवेदी भी माने जाते हैं, जो काफी कांटे की टक्कर मानी जाती है। अब 10 मार्च के बाद ही नतीजा खुलकर सामने आएगा, अभी भी कुछ कह पाना अच्छा नहीं होगा। राहुल, वहाँ की जनता को क्या कुछ योजनाएं चाहिए, वहाँ की जनता क्या कुछ चाहती है, क्या कुछ मुद्दे अम्बेडकर नगर में, जनता को क्या कुछ विकास कार्य और चाहिए, क्या रोजगार के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, क्या कुछ मुद्दे अम्बेडकर नगर की जनता का, जनता जिसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी उससे क्या कुछ चाहती है कि जनता के लिए उनका प्रतिनिधि या फिर उनका विधायक क्या कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं करे, क्या कुछ सुविधाएं दे? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ की जो मांग है, जो जनता की मांग है, सबसे पहले हमने पहले भी बताया था कि सड़क को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा नाराजगी जनता में देखी जा रही है सड़क को लेकर। और स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य का हालांकि स्थिति जो है वो काफी अच्छा है, स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर ज्यादा खराब नहीं है। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है नवयुवकों को लेकर के, और कहीं ना कहीं किसान के लिए सबसे बड़ी किसान की मांग है आवारा पशु, जो छोटे पशु जो टहल रहे हैं खेतों को चल लेते हैं, नुकसान हो जाता है, किसान उससे ज्यादा त्रस्त है। जी सिलसिला जी, आप बिल्कुल वहां के मतदाताओं से बात करें, आप मतदान केंद्र पर मौजूद है राहुल, आप वहां के मतदाताओं से बात करें कि वहां की जनता किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्रों पर आ रही है और क्या कुछ उनके विकास के मुद्दे हैं या फिर कोई अन्य क्या कुछ मुद्दे हैं, आप उनसे ये भी जाने। जी जरूर जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जहाँ हम मतदान केंद्र पर खड़े हैं वहाँ पर 100 मीटर के दूरी पे खड़े रहने की इजाजत दी गई है, इसीलिए अभी बात करना असंभव है। जी बिल्कुल, जब मतदाता मतदान करके आए तो आप बात कर रहे हो, एक बार हम महिलाओं की बात कर ले, महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर? देखिए, महिलाओं की अगर बात कर ले तो जो विकलांग है या फिर चलने में असहाय है उनके लिए चेयर व्हील चेयर मंगाया गया है और
और डॉक्टर की भी यहाँ पर नियुक्ति की गई है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टरों की भी यहाँ व्यवस्था की गई है, टीम है पूरी। महिलाओं की क्या मांग है राहुल, अम्बेडकर नगर की महिलाएं क्या कुछ चाहती हैं सरकार से, कि अगर जो भी उनका प्रतिनिधि वो चुनती है वो महिलाओं के लिए क्या कुछ करे? महिलाओं की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी मांगे हैं, और जो सरकारी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनका उनका लाभ पहुंचे, यही उनकी मांग है। और अगर बात दो दिग्गजों की जाए, टांडा में राम मूर्ति वर्मा जो सपा से प्रत्याशी है, कपिल देव जो भाजपा से प्रत्याशी है, राहुल ये दोनों बड़े चेहरे हैं, तो कैसा टक्कर देखने को मिल सकता है इस बार इन दोनों को? देखिए टांडा, देखिए अगर हम टांडा की बात करें तो टांडा जो है बुनकरों की नगरी कहा जाती है, और वहाँ पर सबसे ज्यादा अगर वोट की संख्या देखा जाए तो वहाँ पर मुसलमानों की है, और राम मूर्ति वर्मा जो है समाजवादी पार्टी से वहाँ से खड़े हैं, और बीजेपी से कपिल देव वर्मा है, और बसपा से शबाना खातून है। तो वहाँ पर शबाना खातून की कहीं ना कहीं मुस्लिम होने के नाते उनका भी टक्कर देखा जा रहा है, अगर हमारी नजर में देखा जाए तो वहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई वहाँ भी है, त्रिकोणीय लड़ाई वहाँ भी देखने को मिल रही है। और क्या कुछ जो प्रतिनिधि है अम्बेडकर नगर के सभी, क्या कुछ उन्होंने अपने वादे और दावे किए हैं वहाँ की जनता से, कि क्या कुछ वो विकास देंगे अम्बेडकर नगर की जनता को? अगर कटेरी की बात की जाए तो कटेरी में कटेरी के जो अवधेश द्विवेदी है, निषाद राज पार्टी भाजपा से गठबंधन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अवधेश द्विवेदी, अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने सड़क को लेकर के और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अस्पताल को लेकर के उन्होंने दावा किया है, अगर जीत हो जाएगी तो ऐसा वो कुछ काम करेंगे। जी बिल्कुल, किसानों के क्या कुछ मुद्दे हैं? एक तो हो गए जो छुट्टा पशु है, छुट्टा पशुओं से किसान खासा नाराज है, किसान और कुछ क्या उम्मीदें रखते हैं कि अगर उनका प्रतिनिधि वो चुन के भेजते तो उनके लिए, किसानों के लिए क्या कुछ उनका प्रतिनिधि उनके लिए करे? किसानों की अगर बात करें तो गन्ना भुगतान को लेकर वो चाहते हैं कि समय पर हमारा गन्ने का भुगतान हो जाए और सही समय पर उनका खरीद भी हो, सही समय पर्ची वगैरह आए, यही किसानों की मुद्दा है। जी बिल्कुल राहुल, आप अंबेडकर नगर के और तमाम मतदान केंद्रों पर जाइए और जनता से उनका मत जानिए कि किस मुद्दों पर जनता वोट दे रही है। हमारे संवाददाता राहुल अंबेडकर नगर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ मुद्दे हैं। और अगर बात टांडा की करें तो टांडा से दो दिग्गज चुनावी मैदान में है, राममूर्ति वर्मा जो सपा से है और कपिल देव जो भाजपा से है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी तक कई दिग्गज ही मतदान कर चुके हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 7-7:30 बजे के बीच मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उन्होंने मतदान किया। वहीं उपेंद्र तिवारी जो मंत्री हैं वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए थे, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी भी मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और जनता से अपील भी की है कि लोग बढ़ चढ़ कर जाए और अपने मतदान का प्रयोग करें। वही सांसद जो भाजपा से हैं माता प्रसाद जगदम्बिका पाल भी पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं अगर माता प्रसाद पांडे की जाए तो वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और वो भी चुनावी मैदान में हैं, कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। सपा से माता प्रसाद पांडे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो काफ़ी सीनियर नेता भी माने जाते हैं। वहीं देखना यह होगा कि जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है, किस पे भरोसा दिखाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कुल 7 चरणों में होना था, 5 चरण संपन्न हो चुके हैं, 6ठे चरण का चुनाव आज चल रहा है, 7:00 बजे से 6 बजे तक 6ठे चरण का चुनाव होना है। वहीं अगर बात किया जाए तो कई सीटें इस बार हॉट सीटें बनी हुई हैं, अगर बात किया जाए तो गोरखपुर विधानसभा भी हॉट सीट है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां से चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर 2017 के नतीजे देखे जाए तो 2017 में बीजेपी को 57 में से 48 सीटें मिली थी, सपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 और बसपा को 5 सीटें मिली थी, अन्य सीटें 1 निकली थी इन 57 सीटों में से। 6ठे चरण का चुनाव 57 सीटों पर हो रहा है 10 जिलों में। वहीं 676 उम्मीदवार कुल इस बार चुनावी मैदान में है जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता करेगी और यह 10 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसको चुना है अपना प्रतिनिधि जो आगे 5 साल तक उनका विकास करेगा। वहीं अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया में यह चुनाव हो रहा है, कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है। बात गोरखपुर ग्रामीण की करें तो गोरखपुर ग्रामीण में भी
कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। अगर बात किया जाए महाराजगंज विधानसभा की, तो महाराजगंज विधानसभा से फतेह बहादुर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से, वही काजल निषाद को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। फतेह बहादुर सिंह काफी सीनियर और दिग्गज नेता है, ऐसे में देखना ये होगा कि काजल निषाद कितना कामयाब हो पाती है, कितना जनता के दिलों में वो जगह बना पाई है। वही अगर बात पिपराइच विधानसभा की जाए, तो पिपराइच विधानसभा से भी पुराने नेता स्वर्गीय उनके बेटे अमरिंदर निषाद चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर छठे चरण की कुल बात की जाए, तो छठे चरण में कई बड़े चेहरे उस बार चुनावी मैदान में हैं। जयप्रताप सिंह भी बांसी विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। कुल 676 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में हैं छठे चरण में, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। वहीं पत्थरदेवा की बात करें तो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी भी चुनावी मैदान में, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको पल पल की खबर मतदान केंद्रों की पहुंचा रहे। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर, वहां के मतदान केंद्रों का क्या कुछ व्यवस्था है जी? वहां पर मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए कि वो शांतिपूर्वक ढंग से सुरक्षा के साथ मतदान कर पाए? जी, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय हाटा विधानसभा के रामपुर बुजुर्ग बूथ पर हूं और यह जो बूथ है ये दुल्हन की तरह सजाया गया है और जो मतदाता बंधु है इनके लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के क्या कुछ व्यवस्था है, कोविड गाइडलाइन को लेकर कैसे पालन कराया जा रहा है कोविड गाइडलाइन का? जी, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पर प्रशासनिक जो अधिकारी है चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं और शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर मतदान कराया जा रहा है। मुद्दे क्या कुछ है कुशीनगर की जनता के, ज्ञानेश्वर किन मुद्दों पर कुशीनगर की जनता मतदान केंद्रों पर जा रही है और अपना मत डाल रही है? जी क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर कुशीनगर की जनता मतदान कर रही है, क्या कुछ विकास कार्य चाहती है कुशीनगर की जनता? जी, मैं आपको बता दूं यहाँ की जो मुद्दा है सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर के यहाँ की मतदाताओं की जो वो है वो सड़क सुरक्षा और बेरोजगारी को लेकर के वोट पड़ रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें करती है सरकार कि अगर सरकार से वहाँ की जनता, किसकी सरकार बनती है तो क्या उनकी सड़क की जो समस्या है, जो रोजगार की समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा? और कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है ज्ञानेश्वर जी? आपके बात क्लियर आ रही मैम? कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है कुशीनगर से ज्ञानेश्वर, कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जी? कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है कुशीनगर से ज्ञानेश्वर जी? मैं आपको बता दूं, कुशीनगर विधानसभा के सातों विधानसभा सीटों से फालजी नगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के प्रत्याशी चंपोली राज से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू तथा भाजपा से कसिया विधानसभा सीट से भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पीएन पाठक भी हैं। अगर बात स्वामी प्रसाद मौर्य की जाए ज्ञानेश्वर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुए हैं, ऐसे में उनके कितनी पैठ देखने को मिल रही है उनके फाजल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की? जी, आपकी आवाज मैम क्लियर नहीं आ पा रही है। ज्ञानेश्वर, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजल नगर से चुनावी मैदान में है, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुए हैं, वो एक बागी नेता है भाजपा के, ऐसे में कितना पैठ उनका देखने को मिल रहा है वहां की जनता में, वहां की जनता ने क्या कुछ मूड बनाया और वहां की जनता कितनी खुश और नाखुश नजर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य से? जी, आपको मैं बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में जो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो चुनावी जनसभाएं की हैं उनके पक्ष में वोट देने की अपील की है, ये भी मतदाताओं में कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर दिख रहा है। अजय कुमार लल्लू की बात करें तो तमकुही राष्ट्रीय विधानसभा सीट पे अजय कुमार लल्लू भी एक बड़े और सीनियर नेता है, उनका कितना पैठ देखने को मिल रहा है तमकुही राज में ज्ञानेश्वर? जी, तमकुही राज से जो मैं बता दूं आपको, अजय कुमार लल्लू हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बताए जाते हैं, उनकी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए प्रियंका गांधी बराडा ने जो रैली की है उसका भी असर वहां तमकुही राज विधानसभा में देखने को मिल रहा है। जी ज्ञानेश्वर, आप वहां के मतदान केंद्रों पर वहां की मतदाताओं से बात करें, उनका मत जाने, हम जल्दी आपसे जायजा लेंगे कि वहां की जनता का क्या कुछ मत है,
क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो दे रही है? अगर बात वही कुशीनगर की जाए तो कुशीनगर से कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद भाजपा से बागी नेता है, जो सपा में शामिल हुए हैं, वही अजय कुमार लल्लू तमकु ही विधानसभा से है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है, कौन से दिग्गज की प्रतिष्ठा बचती है, कौन सी दिग्गज अपना दमखम दिखाने में कामयाब होंगे, यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। हालांकि आज छठे चरण में कुल 676 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और यह 10 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता किसको अपना नेता चुनी है। लड़ाई टक्कर कांटे की है क्योंकि छठा चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर जब सपा में शामिल हुए थे तो कई बातें उनके लिए भी कही गई थी। वो खुद भी फाजिल नगर से चुनावी मैदान में है। अभी एक दो दिनों से उनको लेकर उन पे जो हमले हुए उनको लेकर के जो खबरें आ रही थी उससे देखना होगा कि जनता पे क्या कुछ असर पड़ता है। हालांकि उनके बेटे को अभी पुलिस हिरासत में कल ले ली थी, उनसे पूछताछ किया जा रहा था। वहीं अगर अजय कुमार लल्लू की बात की जाए तो अजय कुमार लल्लू भी तमकुही राज से चुनावी मैदान में है और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी खुद भी चुनावी मैदान में है और माता प्रसाद भी चुनावी मैदान में। ऐसा में देखना यह होगा कि कौन से दिग्गज का फैसला जनता क्या करती है। और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप तक पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी से लेकर